हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। आप रीडिंग डॉक शेयरिंग डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा आज लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आप असिस्टमेंट्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, अगर आप कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो पहला हम जो चैप्टर था हमारा, वो बेसिकली जो था गेटिंग स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था। इसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो शुरू में आपके दरकार होती हैं, वो आपने सारी करी। जिसमें आपने देखा था कि आपने नेविगेटिंग करना, टूरिंग इंटरफेस, ये सारी चीज़ें आपने करी थी। अब जो आप ये चैप्टर कर रहे हैं क्रिएटिंग और शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स का, जो आपने किया, इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट बनाते वक्त जो चीज़ें करनी होती हैं और जब बना लेते हैं उसके बाद जो चीज़ें करनी होती हैं, अब वो कर रहे होते हैं। अभी भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएशन पर नहीं आए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना, ये इस चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगा। जो अमूमन लोग अक्सर गलती कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, या ट्रेनर्स जो अक्सर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली करेक्टर फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड टाइप कराना शुरू करवा देते हैं। तो हमारा कोर्स का स्कोप जो है, बेसिकली ये जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि आपको करना क्या है कि आपको एमएस वर्ड से मुतालिक डॉक्यूमेंट क्रिएशंस की तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स के हवाले से हो, वो आपको आनी चाहिए, चाहे कॉलिब्रेशन के हवाले से भी हो। सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, जब भी एमएस वर्ड के अंदर आप प्लान करते हैं कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपको साइजिंग वगैरह, लेआउटिंग वगैरह सब सेट करना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब, इसके लिए आप लेआउट पे जाते हैं और लेआउट में पेज सेटअप आ रहा है, ठीक है। इनमें से हम पहले वो कमांडे करेंगे इस टॉपिक के अंदर के जो पेज से मुतालिक है, डॉक्यूमेंट के मुतालिक है। आपके सामने ये पेज आ रहे, ये जो पेज बाय डिफ़ॉल्ट खुला रहा था, अगर आप यहाँ पे जाएँ तो इसका साइज़ आ रहा होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप एम एस वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट खुला हुआ था, उसका साइज़ होता है लेटर साइज़, ठीक है। तो आपके पास जो पेपर साइजेस यहाँ पे आ रहे हैं, वो इंचेस में आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये 8.5 जो है इसकी विड्थ आ रही है, 11 जो है इसकी हाइट आ रही है। तो आपके पास कॉमन साइजेस अगर आप चले हैं, तो आपके पास A4 साइज़ जो कि प्रिंटर का पेपर का साइज़ होता है, वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा लीगल पेपर, लेटर पेपर, A3 पेपर साइज़, सब में से फ़र्क एक इंचेस के हवाले से। अच्छा, आपको पहले से ही ध्यान रखना होता है कि आपको काम करना इनके ऊपर सही तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आपने पेज साइजिंग बाद में चेंज करी तो मसला हो जाएगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट जो कि आपको प्रोवाइड करा गया है, खुला हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं और साइज़ में देखते हैं ये लेटर है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसको आप A3 कर दें, ठीक है, आप इसको A3 कर दें। तो आप जैसे ही A3 करेंगे तो इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन अलाइनमेंट सब चेंज हो गई, ये फ़र्क आ जाता है आपके पास कि वो सारी चीज़ें जो होते हैं स्ट्रेच हो गई, इधर आ गई, अपने हिसाब से हो गई। अगर आप यहाँ पे जाएँ तो आपके पास साइज़ में इसको लेटर करें तो ये ऐसा आ रहा है आपके पास, क्योंकि जब आपने इसको चेंज करा तो आपने कहा कि भाई 8.5 विथ को चेंज कर दो 11.69 के अंदर, और जो उसके बाद जो हाइट है वो आपके पास ये आ रही है। तो ये देखिएगा, विद और हाइट आपके पास यहाँ पर आ रही है, तो ये सब चेंज हो जाती है। ये आपको और भी पता चल रहा होता है, आप एक और काम कर लीजिएगा कि व्यू में जाएगा, रूलर्स को ऑन कर लीजिएगा। जब आप रूलर्स को ऑन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर आ रहा होता है, जो कि पेज की स्केलिंग बता रहा होता है आपके पास। तो हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक ये था कि हमें करना क्या है कि डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले साइज़ देना है। अगर आपने बाद में चेंज किया तो सारी चीज़ें स्कैटर्ड हो जाएंगी, अजीब से तरीके से सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप इसको कम या ज़्यादा कर देंगे तो वो पेज उसको रीअरेंज करेगा, जो उसके ऊपर कॉन्टेंट होंगे, टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, जो भी चीज़ हों, ठीक है। तो इसलिए नहायत ही ज़रूरी है। आप फॉर एग्जाम्पल आप लीगल पेपर बना रहे हैं, आपको स्टैम्प पेपर, एग्रीमेंटल पेपर बनाने होते हैं, तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास साइज़ आ रहे हैं, इसके अलावा साइज़ यहाँ पे आ रहे हैं, आपको जो भी साइज़ दरकार है तो वो आप यहाँ पे दे लीजिए। उसके अलावा आपको अपना कस्टम साइज़ बनाना है तो आप यहाँ पे मोर पेपर साइज़ पे चले जाइए। तो मैं मोर पेपर साइज़ में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ रही है कि मैं जो भी साइज़, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया कि भाई 6 बाय 8 इंच का आप ये बनाइए, ठीक है, एक पेज हमारे पास बनना है। मैं इसको यहाँ पे ओके भी कर सकता हूँ,
अच्छा यहाँ पे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट सेशन भी आ रहा है, पॉइंट फॉरवर्ड सेशन हमारे पास अभी हमने नहीं करा है, सेशन का टॉपिक बाद में आएगा तो जब हम देखेंगे, फिलहाल अभी हम करते हैं अब होल डॉक्यूमेंट, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो होल डॉक्यूमेंट में पर, तो मैं ओके भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो मेरा कस्टम साइज़ आ गया, तो अगर आप यहाँ पे जाएँ तो मोर पेपर साइज़ के अंदर ये मेरे पास कस्टम साइज़ हुआ हुआ है। अच्छा एक चीज़ और कि जब पे सेटअप पे काम कर रहे हो तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप रूलर्स को शुरू में ऑन कर लिया करें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि आप बाद में मार्जिन्स का काम करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रूलर्स को खोल के रखिए। रूलर्स का बेसिकली अभी हमें इतना काम नहीं है ना, आगे इतना काम है, लेकिन आप खोलें ताकि आपको पता चले कि स्केलिंग क्या होती है। अच्छा इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ दोबारा जाइए, जब आप लेआउट में काम करते हैं तो हमारे पास आ रहा है साइज़, साइज़ हमने कर लिया कि अपना कस्टम हमें यहाँ पे साइज़ बनाना है, तो हम साइज़ अपनी प्रीसेट्स ले लें बने बनाए, या हम कस्टम साइज़ ले लें अपना बना लें। एक और चीज़ में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर यहाँ पे आप जाते हैं प्रीसेट्स को ऑन करते हैं A4, तो आप यहाँ पे सेटस डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेटस डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जब भी आप वर्ड को खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास साइज़ आएगा वो A4 आएगा, विच इज़ वेरी गुड। ये अक्सर लोग A4 पेपर पे प्रिंट आउट निकालना होता है लेकिन वो काम लेटर पे कर रहे होते हैं, तो फ़र्क इंचेस का आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसकी विथ हाइट का, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट अब जब भी मैं खोलूँगा पेज एक नया डॉक्यूमेंट बनाऊँगा तो A4 साइज आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ पे हम आ जाते हैं, जब साइज आ गया तो हमारे पास ऑरिएंटेशन आ जाती है। लेट्स टाइप समथिंग, टाइप इज इक्वल टू रेंडमली जनरेट जितने चाहे पैराग्राफ इसमें लिखते हैं, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कर दें 24। अच्छा ये एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, अगर आप व्यू में जाएं तो ये मेरे पास नेविगेशन पैन के अंदर आपको पेजेस में पता चल रही है, दो पेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे दोबारा लेआउट में जाता हूँ तो पेज की ऑरिएंटेशन होती है, और ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जितने भी पेज लेआउटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर उनमें सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, ये साइज़ दिए जाते हैं, आप फोटोशॉप में काम करें किसी और जगह पे भी जाएं तो आपको साइज़ पहला काम डॉक्यूमेंट सेटअप करना होता है। ठीक है, तो इसलिए देख लीजिए आपको काम करने से पहले डॉक्यूमेंट सेटअप करना ज़रूरी है। ठीक है, ऑरिएंटेशन पे चलें, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये खड़ा पेज हमारे पास आ रहा है, लैंडस्केप पे आप चले जाइए तो ये लेटा हुआ पेज आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर जब कर रहे होते हैं कि जब हमें कॉलम्स में काम करना होता है, हमें कॉलम ज़्यादा चाहिए होते हैं टेबल्स के अंदर, तो हम इसलिए भी ज़्यादा काम करें, डेट शीट टाइम टेबल्स बनाने होते हैं इसकी नहीं है, या हमें कोई भी लेआउटिंग बनानी है जिसका लैंडस्केप में हमारे कॉन्टेंट लैंडस्केप पे फिट होना चाहते हैं तो वो लैंडस्केप पे अच्छे लगेंगे, तो ये आपके कंटेंट के मुताबिक भी हो रहा होता है। देखिए प्राइमरी जो इसको इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वो टेबल्स के हवाले से देख रहे होते हैं कि जब उनको टेबल्स बनानी होती हैं तो उनको कॉलम ज़्यादा चाहिए होते हैं। क्लियर है, तब तो ये आपकी नीड के मुताबिक है कि ऑरिएंटेशन जो है ना वो आपको कौन सी रखनी है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक पेज पोर्ट्रेट हो जाए, एक पेज हमारे पास जो है लैंडस्केप हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें सेशंस पे काम करना पड़ेगा, सेशंस हमारा बहुत बात का टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है ऑरिएंटेशन आ गई, ऑरिएंटेशन के अलावा हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास मार्जिन्स हैं। ठीक है, तो मार्जिन्स क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँ और मैं अपने पास यहाँ पर आ जाऊँ, और ये टेम्पलेट जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में बिल्टन होता है वो मैंने आपको प्रोवाइड भी करा हुआ है, आप ओपन भी कर सकते हैं अपने वर्ड के अंदर। अभी देखिएगा ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 8 पेजेस हैं। ठीक है, अब मैं फिर लेआउट पे जाता हूँ, और लेआउट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ मार्जिन्स के ऊपर। ठीक है, तो मार्जिन्स के बेसिकली एक्स्ट्रा एरिया होती है पेज के बाहर, आप देखिएगा ये 4 जगहों पे होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम नीचे का हिस्सा, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अब हम इनको अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट वन यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच छुटा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि अगर आप इसको सपोज़ करें कि ये एक नेविगेशन में मैं पेजेस पे जाता हूँ, तो अगर ये मैं इनको बाइंड कर रहा हूँ, स्पायरल बाइंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये स्पायरल बाइंडिंग के अंदर ये बाइंड होगा, ये हिस्सा जो है ये इतना हिस्सा,
तो आपने कहा कि या यूँ कर रहा हूँ, मैं किताब बना रहा हूँ, ये सारे पेजेस मैंने 8 पेजेस अलग से निकाले, आगे पीछे नहीं निकाले, और ये अलग अलग पेजेस निकले हुए, ठीक है, इनके पीछे बैक प्रिंट नहीं हुआ हुआ, ये सिंगल पेज है, 8 पेजेस अलग निकाले हुए। अगर मैं इनको निकालना चाहूँ तो ये 4 पेजेस में निकल जाएगा, अगर मैं आगे पीछे निकालना चाहूँ, लेकिन मैंने कहा 8 सिंगल पेजेस को प्रिंट आउट करना है आपको, और उसके बाद उनको आपको बाइंड कर देना है, या आपको उनको पंच कर स्पाइरल करवा देना है। आपके पास 20 हो 50 हो तो आपने स्पाइरल करवाना है, तो आपके पास ये हिस्सा जो है ना बाइंडिंग में चला जाएगा। तो अगर ये हिस्सा, ये जो हिस्सा आ रहा है, ये इतना हिस्सा आपका बाइंडिंग में चला गया, तो क्या होगा कि ये कंटेंट बिल्कुल स्पाइरल के करीब आ जाएगा। तो ऐसे में फिर आपको जब पेज पलट रहे होंगे तो आपको मुश्किल होगी पढ़ने के अंदर, वो खिंचावा आएगा, पेज को आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, पेज टर्न करने के लिए, दूसरा पेज को टर्न करने के लिए। तो अमूमन हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ज़्यादा दे देते हैं, ये जब होता है कि जब पेजेस ज़्यादा होते हैं, छोटे 8-10 पेजों में तो इतना मसा नहीं है, लेकिन लेट सपोज के 40-50 पेजेस हों, उनका आपने बाइंड करवा लिया, तो ये इतना हिस्सा चला जाएगा आपके पास। आप किताबों में भी देख लीजिएगा, जो हैवी किताबें 100 पेजेस की 200 की हैं, तो फिर आप देखिएगा उनकी टेप बाइंडिंग्स हो रही होती हैं, तो इतना जगह चला जाता है। उसके बाद अगर यहाँ तक तो टेप बाइंडिंग हुई भी और ये कंटेंट आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेच करके फाड़ के एकदम से फोल्ड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये आजकल काम भी होता है, सेफ जोन्स हम उसको बोलते हैं अक्सर ग्राफिक की ज़ुबान के अंदर, कि हम सेफ जोन बना लेते हैं, कि ये जो है ना सेफ एरिया हो जाए हमारे पास, तो हम उसको सेफ एरिया बना लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं ये स्पेसिंग। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इनको चेंज करना है, तो मैं लेआउटिंग में जाता हूँ, मार्जिनस के अंदर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर मोर स्पेशलिस्ट, तो मोर स्पेशलिस्ट जेम्स के अंदर वो आपके पास ये बोल देगा नैरो कर लें, 0.5 आप कम कर दें। तो ये जब कम हुआ तो आपके पास क्या हुआ, कंटेंट नियर आ गए बिल्कुल। अब इससे एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपके पास अगर कोई कंटेंट है आपके पास, मैं यहाँ पे चला आता हूँ, ये कंटेंट है मेरे पास, ठीक है, और मैं यहाँ से ये ज़्यादा 3 पेज तक आया हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार, ये पहला पेज है, सेकंड पेज है, और थर्ड पेज है, इसको मैं व्यू में करके भी दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट सेकंड पेज है, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो है ना इसको, अब ये मुझे इसके 10 सेट निकालने, तो ये एक 4 लाइनों के नहीं है, 5-6 लाइनों के नहीं, ये जो है ना बिला वजह में पेज फुल स्ट्रेट होगा, तो हम इसको कुछ कोशिश करके एडजस्ट करना चाहते हैं इस पे, तो कैसे हो जाए। तो अगर हम यहाँ और यहाँ की मार्जिन कम कर देंगे, टॉप और बॉटम की, तो जब हर जगह से ये 0.5 0.5 कम होगा, ये बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो कितनी आ रही है, लेआउट में जाएँ, ऑरिएंटेशन में, सॉरी साइज मार्जिन में जाएं, तो ये 1 1 आ रहा है। तो आप ये इमेजिन करें कि अगर मैं इसको 0.5 0.5 कर दूं, तो और चारों साइड से, तो एक एक इंच सब जगहों से कम हो जाएगा, तो टेक्स्ट नियर आ जाएगा हर जगह से। तो इसको हम करते हैं 0.5 0.5 क्लिक करते हैं, तो अभी देखिएगा वो 3 पेज के बजाय जो है ना वो अब 2 पेज पर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब कंटेंट, यहाँ पे जब मार्जिन कम हुई पेजेस की, तो ऐसी बात है कि टेक्स आपको ऊपर की तरफ आ जाएगा, आपको पेज पे जगह ज़्यादा मिल जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टम मार्जिन डालना। आपने कहा कि भाई ये मुझे ना हुआ ये कि मैं सिर्फ इसको रो वाइज एडजस्ट करना चाह रहा था, ये ऊपर ही बुलाना चाह रहा था, टॉप और बॉटम को एडजस्ट करना चाह रहा था, लेफ्ट मार्जिन और जो राइट मार्जिन है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो आप इसकी नहीं क्या करेंगे, मार्जिन कस्टम मार्जिन पर चले जाइए, कस्टम मार्जिन पर आप क्लिक करें, ठीक है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पोजीशंस आ रही हैं। आपने कहा कि मुझे जो बेसिकली टॉप और बॉटम को चेंज करना था, तो आप यहाँ पे आइए, टॉप 0.5, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हैं 0.5, ठीक है, आपने इसको ओके करा, ठीक है। तो अभी भी वो 2 पेपर पे एडजस्ट हो गया, लेकिन अब फर्क क्या आया कि अब वो लेफ्ट और राइट जो मार्जिन थे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, बल्कि टॉप और बॉटम पे आया। तो ये बड़ा हैंडी चीज़ है, मैंने आपसे शेयर करी है, हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 2-3 लाइनें लोग बेवकूफ़ी में छोड़ देते हैं, भाई क्यों छोड़ रहे हो, एक पेज आएगा फुरसत होगा, अगर किसी कंपनी में काम करते हो वो तो आपको भी चीखेगा, भाई ये क्या मेरा इतना फुरसत का ज़ाया हो गया पैसा, बिलफर्ज अगर इस ये 3 पेजेस थे और आपको 50 स्टूडेंट्स को देना था, तो फिर आप देख लीजिए कि वो तकरीबन आपके पास
150 कॉपियां बनती। अब आपके पास एक चार लाइनों की वजह से दो पेजेस बने तो अब 100 कॉपियां होंगी, 50 पेज बच गए आपके। तो ये आपके पास चीज़ें हैं जो टेक्निकली आपको समझनी चाहिए। ठीक है, मार्जिन्स में थोड़ा सा हम और काम करते हैं। यहाँ से हम कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी करना चाहें वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने करा। इसमें गटर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसको गटर क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाते हैं जो कि वर्ड का टेम्पलेट है हमारे पास। इसके अंदर मैं मार्जिन्स पे जाता हूँ और कस्टम मार्जिन्स पे जाता हूँ गेटर। यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ें बता रही है। तो आपने साइज़ दिया हुआ है, बता रहा है कि वो कह रहा है कि आप, मैं पहले काम करता हूँ यहाँ से, इसको ये रहने देता हूँ। नॉर्मल जो थी हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जा रही थी, अब मैं मार्जिन्स में दोबारा आता हूँ कस्टम मार्जिन्स के अंदर और मैं गेटर पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको स्पाइरल पता चल रहा होगा, जब स्पाइरल बाइंडिंग की बात कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई अच्छा वो उसने करा क्या है कि ये जो मार्जिन्स थी ये 1 इंच ये रखी हुई है लेकिन साइड में गटर के लिए स्पेस सेट कर रहा है। तो आपने कहा कि ये अगर आपको अब स्पाइरल बाइंडिंग या टेप बाइंडिंग जो भी आप करवा रहे हैं तो उसका एक साइज़ पता है, आपने नापा हुआ है, तो ये अच्छा है कि आप वो नाप लें और उसके बाद भी थोड़ी सी स्पेस और दे दें, ये अच्छा है। तो आपके लिए या तो दोनों को मिला के यहाँ पे दे दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपके पास 1, तो वो ये गटर का हो गया, ये मार्जिन का हो गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसकी पोजिशन आ रही है टॉप, ये अगर आपका पेपर यूं हो रहा फोल्ड, एक के पास यूं नहीं खुल रहा, एक के बाद यूं, बल्कि आपके पास पेपर यूं फ्लिप हो रहा है, फ्लिप पेपर हो रहा है कि एक के बाद दूसरा फ्लिप हो रहा है, फिर यूं फ्लिप हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, यूं नहीं हो रहा लेफ़्ट। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर लोग करवा रहे होते हैं आपके पास। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि आपके पास मल्टीपल पेजेस में चलें मिरर मार्जिन्स, ठीक है। मिरर मार्जिन्स अक्सर देखें हम, क्योंकि आप ये सोचिए कि हम वैसे तो हम एडवांस फॉर्मेटिंग कर भी कर रहे हैं, इसके अंदर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई किताब बना रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई किताब टाइप की चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आप मल्टीपल पेजेस पे काम कर रहे हैं तो मिरर मार्जिन्स होते हैं। तो ये जब आपको बता रहे हैं कि दोनों जब बाइंड होंगी हमारे पास तो ये मार्जिन्स हमारे पास आ रही है। जब आप मल्टीपल पेजेस पे काम करते हैं तो आपकी मार्जिन चेंज हो जाती है, उनमें जो चेंजिंग का बिहेवियर है वो इनसाइड और आउटसाइड आ जाता है। क्या आ जाता है, इनसाइड एंड आउटसाइड आ जाता है। इसके लिए मैं एक डेमोस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास व्यू में जाता हूँ और व्यू में जाने के बाद मल्टीपल पेजेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम वो दिखाते हैं, हम इस तरह से इसको थोड़ा सा मैंने जूम आउट इतना कर लिया कि दो पेजेस दिखाई दें मल्टीपल पेजेस के अंदर आमने सामने, ठीक है, वरना एक पेजेस दिखाई दे रहा। तो 1 पेज कर सकते हैं, मैंने मल्टीपल पेज करा ताकि आपको ये 2 पेज, अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारी किताब है 100 पेजेस की और ये आमने सामने जब पेज खोलेंगे तो यूं और यूं आएंगे, यूं और यूं आएंगे, ठीक है। अब आप इसमें दोबारा लेआउट पे जाइए और आप मार्जिन्स पे जाइए और मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद आप कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक कीजिए। इसमें दवा आप करें मिरर मार्जिन्स और मिरर मार्जिन्स के अंदर आपके पास आ रहा टॉप और इनसाइड, हमारे पास इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हम ज़रा इनसाइड को चेंज करते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ 1.5, ठीक है। अब मैं 1.5 करता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। 1.5 करा मैंने और चेंज करा, तो देखिएगा आपके पास हमने एक चेंज क्या किया, दोबारा देखिएगा हमने चेंज करा इनसाइड मार्जिन, तो इनसाइड मार्जिन ये। तो मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड अंडू, तो ये पहले ऐसा था, कंट्रोल वाई रीडू, अभी मैंने ऐसा करा है। तो कंट्रोल जेड का मतलब ये अंडू, एक स्टेप पीछे। तो पहले ये ऐसा था, मैंने इनसाइड मार्जिन्स को इंक्रीज करा तो इसने मिरर मार्जिन्स हुआ हुआ है तो दोनों तरफ इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये अब यूँ आ रहा है हमारे पास, कि अगर आपकी बाइंडिंग बड़ी है तो आपको पता है कि ये और ये ज़्यादा चला गया। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किल सेट्स हैं आपके पास, ये बिल्कुल गैप कीजिए। इसमें दोबारा से आ जाइए, मैं इसको यहाँ पे दोबारा बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इस मतलब मैं ऑफसाइड को चेंज करता हूँ, मैं पहले इसको नॉर्मल कर लूँ,
है, उसके बाद फिर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ मार्जिन के ऊपर, और इस मरतबा मैं मिरर मार्जिन करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाने के बाद ऑफ साइड करता हूँ। ठीक है, ऑफ साइड के अंदर वही हम 1.5 करते हैं। तो आप देखें क्या हो रहा है, इन साइड लेफ्ट साइड को देखिएगा, आपके पास ये इन साइड इफेक्ट है। मैं थोड़ा सा और बढ़ा के दिखाता हूँ आपको कि हम यहाँ पे मिरर मार्जिन करते हैं और थोड़ा सा साइज में ज़्यादा। आपको ये प्रीव्यू में भी वैसे ही बेसिकली पता चल रहा होता है कि इन साइड ये वाली चीज़ें, आउट साइड हमारे पास ये वाली चीज़ें, और इन साइड ये है। इन साइड का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा, आउट साइड का इफेक्ट जो है वो आपके पास यहाँ पड़ेगा। तो मतलब पेज के फर्स्ट पेज से लेके जो सेकंड पेज मिरर पेज है उसके राइट पे, तो ये हमारे पास आउट साइड का इफेक्ट है। क्लिक करता हूँ ओके, तो आप ही देखिएगा इसका इफेक्ट जो है वो ये पड़ यूँ और ये यूँ आ गया। इन साइड करना है तो आपके पास इधर से और इधर से जो ना वो मार्जिन आपके पास बढ़ेगा। निहायत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जो है वो बुक टाइप की चीज़ बना रहे हैं, लॉन्ग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर आपको बाइंडिंग करवानी है, चीज़ें करनी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो था हमारे पास साइजिंग ऑरिएंटेशन था, मार्जिन सेटिंग्स थी, जो ये डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपको तयन करना है कि आपको कैसा काम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाद में चेंज करते हैं तो देखें क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है और आपने बाद में चेंज करा तो उसका सारा वर्क फ्लो चेंज हो जाएगा, उसके सारे कंटेंट जो है ना वो आप यूँ एडजस्ट करना चाह रहे थे। अब आपने कहा नहीं यार ये तो अजीब सी लग रही है हेडिंग यहाँ पे, इसको कुछ और डिज़ाइन होना चाहिए था, ये ज़्यादा जब थोड़ा यहाँ पे था लेफ्ट पे तो ये अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच आउट हुआ तो वो अजीब सी लग रही है हेडिंग। तो ये आपको ज़रा सा पहले से देखना है आपको, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा कंटेंट का फ्लो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अजीब सा ना लगे। अब आ जाते हैं कि ये जो आप पेजेस पे काम कर रहे थे, ये 8 पेज का डॉक्यूमेंट था, इसको आप प्रिंट करना है। ठीक है, लास्ट चीज़ हमारी क्लास की आज की वो प्रिंटिंग कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे अक्सर इसके लिए कंट्रोल पी भी दबा सकता हूँ या कंट्रोल प्लस F2 भी दबा सकता हूँ। ठीक है, और या तो मैं फाइल में जाके प्रिंट भी कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास तीनों ऑप्शंस हैं। कंट्रोल पी भी दबा सकता हूँ, कंट्रोल F2 भी दबा सकता हूँ, या बैक स्टेज व्यू जो कि फाइल टैब में शुमार हो रहा था, आप उस पर जाइए और प्रिंट पर क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। अगर तो आप नेटवर्क के ऊपर हैं, अगर आपके पास आप मल्टीपल पीसी कनेक्टेड हैं तो आपके पास प्रिंटर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। आप एक आपके अगर पास कोई इंस्टॉल हुआ हुआ तो वो नज़र आएगा, अगर नेटवर्क शेयर्ड हुआ हुआ प्रिंटर तो वो भी नज़र आ रहा होगा। तो आपको पहले तो प्रिंटर, अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर हैं तो उनको चूज़ करना है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैंने यहाँ पर उसको ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पर आपको भी ये डेमोस्ट्रेशन के साथ कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो प्रिंटर की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटर की प्रॉपर्टी S-Pen का L360 लगा हुआ है, अब S-Pen के ऊपर जाके आपने प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और अगर आपने कहा कि इसको ब्लैक और वाइट करना है, हाई क्वालिटी में करना है, ग्लॉसरी प्रिंट करना है, तो वो सारी प्रिंटर की, हर प्रिंटर की अपनी सेटिंग्स होती हैं जो कि यहाँ से मिलती हैं। क्लियर है। इसके बाद इसके कितने सेट चाहिए, आप जाते हैं ना फुर्सत की मशीन की दुकान पे, वो बोलता है कि भाई 10 सेट बना के दे दो मुझे, तो वो 10 सेट का मतलब ये है कॉपीज़। तो 8 पेजेस का टोटल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप पेज नंबर 1 के ऊपर हैं करंटली, ये मैं यहाँ से कहता हूँ कि यहाँ से 10 कॉपी हैं, 10 कॉपी का मतलब ये कि 10 × 80 80 पेज निकलेंगे। ठीक है, और इसके 10 सेट बनने, 10 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। क्लियर। उसके अलावा अगर मैं सेटिंग्स पे आ जाऊँ, मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कि प्रिंट ऑल पेजेस, करंट पेजेस, करंट पेजेस का मतलब ये कि मैं अगर इस वक्त पेज नंबर 1 के ऊपर हूँ, अगर मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर हूँ और मुझे, मैं इस वक्त यहाँ पे आ जाता हूँ पेज नंबर 4 के ऊपर, यहाँ पता चल रहा है मुझे, और कंट्रोल पी मैं दबाता हूँ और मैं यहाँ से कहता हूँ कि प्रिंट करंट पेजेस, तो करंट पेजेस को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जो कि पेज नंबर 4 था मेरे पास, जो कि यहाँ नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑल पेजेस जो हमारे पास आ रहा होता है, और कस्टम प्रिंट। ठीक है, तो कस्टम प्रिंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है कि हम क्लिक करें तो कस्टम प्रिंट में 2 रेंजेस होती हैं, डैश और कॉमा की। ठीक है, अगर मैं
फर्स्ट से लेके डैश फोर कर दो, रेंज दे देता हूँ, ये डैश रेंज है, पहले से लेके चौथे तक प्रिंट होगा, ठीक है। आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर एकदम से बंद हो गया, लाइट चले गई, तो आप चाहते हैं कि ये रीप्रिंट हो दोबारा से, तो आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, चौथे प्रिंट हुआ था, लाइट चली गई या कोई भी फेलियर हो गया कंप्यूटर, आप दोबारा आएंगे पेज नंबर 528 उसके आगे का डाल देंगे, तो आगे का प्रिंट होगा, आपको बार बार क्लिक नहीं करना है कि ऑल पेजेस प्रिंट करें, क्लियर है। या अगर आप सेपरेट चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपने अगर मुझे पहला पांचवा आठवां चाहिए तो आप पहले पे पहला नंबर डाला आपने, पहला पेज कॉमा पांचवा कॉमा आठवा, तो 1 5 और पेज नंबर 8 जो है वो आपके पास प्रिंट होगा, तो ये आप कस्टम प्रिंट कहलाता है आपके पास, क्लियर है। आपके पास प्रिंटर में फैसिलिटीज हैं मैनुअल प्रिंटिंग बोथ साइड की, कि आप इसको सेट कर लें कि अगर आप ये चाहते हैं कि प्रिंट वन साइडेड, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है कि आप इसको वन साइडेड प्रिंट कर रहे होते हैं, और अगर आपके पास ट्रेस है दूसरी तो उस पर क्लिक करें, उलट करके लगते हैं तो उसकी बैक साइड पर प्रिंट होकर आ जाएगा, जो कि काम हम नॉर्मली प्रिंटर जो होते हैं हमारे पास उस पर ट्रेस ज़्यादा नहीं होती, तो हम लोग करते क्या हैं कि हम प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद पे बाद में प्रिंट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ये सीधा हम इसमें प्रिंट और इवन पेज 2 4 6 8 1 3 5 7 जो पेज सीरीज होती है इस तरह भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि ऑड प्रिंटिंग करनी है आपके पास, इवन प्रिंटिंग करनी है, तो वो आप यहाँ से जाके भी आप सब कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 3 5 7 करना चाहते हैं या 2 4 6 8 करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेटिंग सेटिंग सब कुछ यहाँ से हो रही होती हैं। इसके अलावा साइडेड प्रिंट हो गई और कोलेटेड हो गई, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कोलेटेड अनकोलेटेड। कोलेटेड अनकोलेटेड का मतलब ये है, अभी कोलेटेड बाय डिफॉल्ट आता है, इसका मतलब ये कि पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आपने कहा कि 10 कॉपी निकालो और आप इसको कर दो यहाँ पे जाके अनकोलेटेड, तो ये पहले 10 पेज पहले के पेज के निकालेगा। मैम दोबारा सुन लीजिएगा, अनकोलेटेड में क्या करेगा, लिखा हुआ भी आ रहा है 1 2 3 सीरीज चलेगी, या वन 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 का मतलब ये कि ये पहले पेज की 10 कॉपी निकालेगा, उसके बाद दूसरे पेज की 10 कॉपी निकालेगा, तीसरे पेज की भी 10 कॉपियाँ निकालेगा, ये इतना सीरीज पूरी नहीं निकालेगा 1 2 8 के बाद दूसरा सेट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनकोलेटेड यहाँ पे आप चले हैं, ठीक है। इसके अलावा पोर्ट्रेट आपके एकदम से जहन में आए नहीं, या उसको एकदम से इसको लैंडस्केप कर लो तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप ये सब सेटिंग्स पहले कर रहे होते हैं, अगर सेटिंग्स का लेटर का A4 क्या है, तो वो बाय अक्सर लोगों को मैंने गलती देखी है कि वो लेटर पे काम कर जाते हैं और उनको प्रिंट आउट A4 पे करना होता है, तो फ़र्क आ जाएगा, आपके कंटेंट फिट नहीं हो पाएंगे, तो आपको यहाँ से फिट करना पड़ेगा, तो ये अक्सर गलती हो जाती है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत माइनर एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो ये अक्सर हम कर रहे होते हैं, हमने काम कर लिया लेकिन फिर भी ये प्रिंटिंग में हमें दिखाई दे रहा है कि भाई वैसे तो हमें प्रिंटिंग में मस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम प्रिंट लेआउट पे काम कर रहे होते हैं और हमें क्लियर आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ऐसे ही प्रिंट आएगा, तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट पे काम कर रहे होते हैं। फिर भी अगर आपको प्रिंटिंग लेआउट में एडजस्टमेंट करनी है, तो वो आपके पास ये आ रहे हैं नॉर्मल मार्जिन्स, वही जो मार्जिन हमने बाहर से करी थी, आप यहाँ से जाके सेटिंग्स थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी है, आपने कहा कि थोड़ा सा मुझे टॉप से एडजस्ट करना है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको पता चला प्रिंटिंग प्रीव्यू के अंदर कि ये भाई ऊपर से काम हो गया, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ भी हमारे पास आ रही है कि यहाँ पे आप चले हैं तो 1 पेपर पर पेजेस पर शीट, 2 पेजेस पर शीट, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पेजेस एक शीट पर आ जाएंगे, ठीक है। 1 पेजेस एक शीट पर आ गया, 2 पेजेस एक शीट पर आ गए, मतलब एक शीट के ऊपर 4 पेजेस चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 16 चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको उसको प्रूफ रीडिंग टाइप की चीज़ें करनी है, आपको आप कोई चीज़ रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर स्क्रीन पे उसको प्रूफ रीडिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप उसको प्रिंट आउट करके कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पर्पज़ के लिए, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, आपके पास प्रिंटर मौजूद है, प्रिंटर के अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं कि A3 का पेपर भी लग जाता है, A4 भी है, और साइज़ का पेपर तो लग ही रहा होता है, लेकिन A3 साइज़ के प्रिंटिंग का जो ट्री होती है वो अलग होती है, और प्रिंटर में नहीं होती है,
तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो 6 पेजेस, अब आपने कहा कि एक काम करो कि 4 पेजेस एक शीट पर आ जाएं, लेकिन वो किस शीट पर आए, वो शीट का साइज होता है, आप जो पेपर पे प्रिंट करते हो उनका एक साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद स्केल टू पेज साइज, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A3, तो ये 4 पेजेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो 4 पेजेस जो है वो कहाँ पे प्रिंट होंगे, वो होंगे A3 के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें ये लिखा हुआ है स्केल टू साइज लिखा हुआ है, जो कि A3 का साइज है, कि 4 पेजेस जो के प्रिंट होंगे किसके ऊपर, स्केल होंगे A3 साइज के ऊपर। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रिंट, और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ प्रिंट आउट्स करके देखें, आपको पता चलेगा आपके पेजेस कैसे आ रहे हैं, आप लेआउटिंग कैसी बना रहे हैं। चाहे मैं डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या लेआउटिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनको मैं कहता हूँ प्रिंट आउट निकालें, छोटा मोटा प्रिंटर ले लें, आपके लिए वैसे इस्तेमाल में बहुत अच्छा आ जाता है। पेज सेटअप की कमांड भी आ रही होती है, जो कि वहाँ से हम कर रहे थे वो यहाँ से भी आ रही होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ टिप देता चलूँ, वो ये भी है कि जो लोग प्रिंटेशन का काम करते हैं और जो बार बार प्रिंट आउट्स करवा के प्रेजेंट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो पेपर क्वालिटी भी डिपेंड करते हैं। अक्सर लोग 70 ग्राम का पेपर लेते हैं, हर पेपर का एक वेट होता है, 70 ग्राम, 80 ग्राम। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो नॉर्मली आप पेपर भी जो इस्तेमाल करें वो 80 पेपर इस्तेमाल करा करें, ठीक है। एक तो पेपर की जो पेपर पर प्रिंट आउट अच्छा आएगा, और दूसरी बात ये कि आपकी जो मैकेनिज्म है, जो प्रिंटिंग का जो है वो जो प्रिंटर है वो ख़राब नहीं होगा आपका। हल्के पेपर इस्तेमाल करने से और हैवी प्रिंटर पे इस्तेमाल करने से प्रिंटर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। इसके टेक्निकल एक पूरा टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस कभी बाद में करेंगे, टेक्निकल इश्यूज नेटवर्किंग के हवाले से पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है प्रिंटेशन के हवाले से। जो अगर आप कहीं देना चाहते हैं तो आपके पास मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 100 ग्राम के पेपर प्रिंट आउट करा के दिया करें। CVs लोग प्रिंट करा के दे रहे होते हैं, मेरे पास, मैं CU हूँ, मेरे पास CVs आती हैं, वो 70 ग्राम के पेपर का हाथ में उठा के देखो तो ऐसे लगता है छिलका, मतलब दिल ही ना करे उसको पकड़ने का। तो पेपर की वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो प्रिंट आउट्स करके मुख्तलिफ पेजेस, मुख्तलिफ ग्राम्स के पेपर्स के ऊपर प्रिंट आउट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि रिजल्ट कितना आता है। और इससे अगर आपके पास कलर इमेजेस हैं और कलर टेक्स्ट है, ख़ासतौर पर इमेजेस वाला पोर्शन है, आप यकीन करें जितने अच्छे पेपर पे इस्तेमाल करेंगे उतना कलर खिलकर आएगा, उतना इमेज खिलकर आएगा, ठीक है, प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। थैंक यू।